इस धरती को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अटल जी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ बनाया गया, और फिर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में बदलने का काम भी 15 साल तक हमारे रमन सिंह जी ने किया है, और आगे पर भी छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्र, कांग्रेस वाले बहुत ठोर पीते हैं। मैं आज मुख्यमंत्री से पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कहने लगे 10 साल तक कितना रुपया भेजा, सिर्फ 74,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने भेजा, और 74,000 करोड़ रुपया की जगह नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 3,00,000 करोड़ रुपया 9 साल में भेजा है, 9 साल। और ये सारा पैसा आज बघेल सरकार भ्रष्टाचार की भेंट बनाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 38 लाख किसानों को 38 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। जल जीवन मिशन में 24 लाख माताओं को पानी का कनेक्शन दिया। 1.8 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मुक्त कर दिया, और इसके साथ साथ 38 लाख बहनों को शौचालय बना कर दिया। 52 लाख परिवारों को मुफ्त में 5 किलो अनाज हर महीना भेज रहे हैं। 6 लाख माताओं को गैस का कनेक्शन दिया, और इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई में देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार। जहां तक दूर की बात है, 30 से अधिक पीएम जन औषधि केंद्र, सस्ती दवाइयों की दुकानें खोली, 30,000 से ज्यादा लोगों को घर दिया, 2 लाख से ज्यादा लोगों को जल जीवन मिशन का कनेक्शन दिया, और 90,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं पूरे देश भर में दौरा कर रहा हूं, ये 17वां राज्य है मेरा। जहां जहां जाता हूं मैं हर जगह पूछता हूं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको भी पूछूंगा, जरा मीडिया से देश सुने ऐसे बताना, भैया बताओ 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जरा जोर से बोलो कौन बनेगा, जरा जोर से बोलो कौन बनेगा। 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, जोर से बोलो किसकी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे, हाथ उठाकर बनाओगे, कमर के निशान पर बटन दबाओगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुक्ति दीजिए, और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।